हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई विश यू आर फाइन। टुडे वी विल डू वर्कशीट 38 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8। और ये वर्कशीट आपको करनी है स्टूडेंट 6 दिसंबर 2021 को। और आज की वर्कशीट में हम दिस इज जोड़ी फान का लेसन ही कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन विलेज और एट आवर होम। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर गांव में रहते हैं या घर में रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स स्टेटमेंट है ये। ट्रू होता है सत्य और फॉल्स होता है असत्य। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। पैट एनिमल्स तो घर रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू आर अफ्रेड ऑफ। आपको उन जानवर्स के नाम लिखने हैं जिससे आप डरते हैं। तो देखिए, यस, तो आप किससे डरते हैं? आपको वो जानवर्स के नाम लिखने हैं जिनसे आपको डर लगता है। अफ्रेड का मतलब डरते हो आप, जिससे, लोइन से, टाइगर से, मोंकी से, बियर से, फॉक्स से। आप तो जो जिस एनिमल से आप डरते हैं उनके आपको यहाँ पर नेम लिखना है। जैसे मैं तो लोइन से, टाइगर से, मोंकी से, बियर से, फॉक्स से डरती हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, राइट टू क्वालिटीज़ ऑफ योर फेवरेट एनिमल। तो आपका जो फेवरेट एनिमल है, किसी का कैट होगा, डॉग होगा, जो भी आपका फेवरेट एनिमल है, उसकी दो आपको क्वालिटी बतानी है। माय फेवरेट एनिमल इज़ डॉग। डॉग है तो डॉग्स क्या होते हैं? डॉग्स आर लॉयल एंड चार्मिंग। उसकी दो क्वालिटी मैंने बता दी डॉग्स की, कि वो लॉयल होते हैं और चार्मिंग होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं वर्कशीट में। यस, आगे जो है पैसेज दे रखा है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पैसेज क्या है हमारा, ये आपके उस चैप्टर से ही पैसेज है। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू प्ले। हमने इनकी, इसकी माँ को ले लिया। यहाँ पर इट कौन है? फोन है, जिसकी मदर को पा के, जब रैटल स्नेक ने बाइट कर लिया था जोड़ी के पापा को, तो डो को मारा गया था जो कि फोन की माँ थी। तो उसमें फ़ोन का क्या दोष है? उसकी माँ को तो मारा गया ना उसके पापा की जान बचाने के लिए, जोड़ी के पापा की जान बचाने के लिए। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। ये वास्तव में अनग्रेटफुल होगा, ये सही नहीं होगा यदि हम उस फोन को भूखा मरने दें। सन, आई कांट से नो टू यू। बेटा, मैं तुम्हें ना भी नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी दूसरे दिन के लिए जिंदा रहता यदि उसकी माँ को नहीं मारा जाता और मेरा पॉइजन नहीं निकाला जाता। कैन आई राइड बैक विद मील व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। तो पापा, क्या मैं घोड़े पर सवार होकर मील व्हील के साथ जाऊं और उसे लेकर आऊं? टेल योर मदर आई सेड यू कैन गो। अपनी माँ से भी पूछ लो, मैं तो तुम्हें परमिशन देता हूँ जाने की। ही साइडल्ड बैक द टेबल एंड सेट डाउन। वो टेबल की साइड में बैठ जाता है। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरी वन। उसकी माँ जो है सबके लिए कॉफ़ी डाल रही है। ही सेड, अब जोड़ी कहते हैं, माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। माँ, पा ने कह दिया है कि मैं वापस जाऊँ और फ़ोन को ले आऊँ। सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। वो कॉफ़ी डाल ही रही होती है कि तभी कॉफ़ी बीच में रहती है हवा में। व्हाट फोन, उसकी माँ कहती, क्या फ़ोन? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। तो जोड़ी बताता है कि वो फ़ोन जिसकी मदर को मारा गया था, और वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पापा। वो जिस डो के लीवर का यूज़ किया गया था पापा के जहर को निकालने के लिए। सी गास्ट, पर उसकी माँ हाफ जाती है। वेल फॉर पिटी सेक, कहती है, अच्छा अच्छा, पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। तो जोड़ी कहता है कि पा कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं होगा यदि हम उसको भूखा मरने दें फोन को। डॉग विल्सन सेट, अब जो है चौथा करेक्टर और आ जाता है डॉग विल्सन। वो कहता है, दैट्स राइट मैडम, ये सही है मैडम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस संसार में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती है। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट। लड़का भी सही है और उसका डैडी भी सही है। तो अब इस पैसेज के ऊपर हमें जो है क्वेश्चंस करने हैं। सी देखिए, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हिंट दे रखी है जिसकी हेल्प से आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट है हमारा, ब्लैंक सेड, सोरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। सन, आई कांट से नो टू यू। आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे। किसने कहा ये? पा ने कहा। तो इसमें आएगा पा, पा सेड, पा ने कहा। क्या कहा? श्योरली, बिल्कुल सही हो बेटा।
ये अनग्रेटफुल होगा यदि हम उसे भूखा मरने देंगे जोड़ी उसके जोड़ी को। बेटा मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दूसरा दिन देख सकता। तो किसने कहा? पा ने कहा, तो ब्लैंक में आएगा पा। सेकंड देखिए, ब्लैंक गास्क वेल फॉर पीटी सेक, माँ जो है वो हाफ गई थी, तो इसमें आएगा मदर। और उसने कहा अच्छा मदर, तो इसमें आएगा मदर गास्क। ओके, मदर घबरा गई थी ना तभी वो गास्पिंग कर रही थी। अब डी में देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट फन, क्या फन, हु आस्क दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसने पूछा? मदर ने पूछा था ना जब जोड़ी परमिशन ले रहा था जाने की, तो इसका सही आंसर होगा मदर। फोर्थ क्वेश्चन, मदर आस्क दिस क्वेश्चन, आपको आंसर जो है फुल सेंटेंस में देना है, तो आपको हु के स्थान पे क्या लिख देना है? मदर। मदर आस्क दिस क्वेश्चंस, हु के स्थान पे आपको सिर्फ मदर लिखना है। हु के जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल आसान होते हैं, उसमें हु को हटाकर हमें आंसर लिखना होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। हु स्टेटमेंट इज दिस, ये किसकी स्टेटमेंट थी? ये देखिए डोक विल्सन की स्टेटमेंट थी ये, तो इसमें आपको लिखना है डोक विल्सन, विल्सन। नेक्स्ट है फिफ्थ, द डो सेव जोड़ी हिज फादर्स लाइफ, डो ने जोड़ी के फादर का जीवन बचाया। ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि डो के ही लीवर का यूज़ किया गया था फादर के पॉइजन को निकालने के लिए, तो डो ने फादर के जीवन को बचाया, ये कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू। तो ये थी स्टूडेंट आज की आसान सी वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। हैव ए नाइस डे।